वेलकम बैक टू चैनल वन, दिस इज योर पॉडकास्ट राइडर एंड होप गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो या गाइस, फाइनली आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए। एंड या मेरे पीछे एक्सपल्स 200, तो आज का वीडियो ना गाइस एक्सपल्स 200 के बारे में ही है। एंड या काफ़ी सारे लोग ना मेरे से पूछते थे कि एक्सपल्स में मॉडिफिकेशन कराया कैसा चल रहा है, मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशन मैंने इस पर कराया है। एंड इसका जो टायर था वो भी मैंने ट्यूबलेस कराया था कुछ महीनों पहले। सो इसका ही ना एक छोटा सा रिव्यू लेके मैं आया हूँ आप लोगों के पास। सो थोड़ा सा बाइक दिखा देता हूँ। सो बाइक जो है ना थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है, बट गाइज ये चेक मारो यार, मतलब कि इतना का कंडीशन में ना 2020 का मॉडल है, एंड ऐसा कंडीशन शायद ही किसी बाइक का होगा। तो मैं इसको पूरा एकदम चकाचक रखता हूँ, कोई भी कसर नहीं छोड़ता हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को मालूम है गाइज, एक्सपल्स 200 लिया हुआ कुछ डेढ़ साल जैसा हो गया। एंड जो मेरा रेगुलर व्यूअर है उसको तो पता ही है कि मेरे पास दो दो बाइक है, एक है ड्यूक 390, एक है एक्सपल्स 200। सो एक्सपल्स 200 मैंने लिया था कुछ ऑफ रोडिंग करने के लिए। एंड या ऑफ रोडिंग किया भी मैंने इस पर, बहुत सारे राइड वगैरह किया, छोटे छोटे राइड तो बहुत किया, एक लंबा राइड किया जो कि था मुस्तांग का। एंड या अभी फटाफट ना कैमरा स्विच करते हैं एंड मैं कुछ बातें एक्सपल्स के रिगार्डिंग में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ओके सॉर्ट गाइज, कैमरा स्विच कर लिया है। एंड या ये जो बाइक है ना गाइज, एक्सपल्स 200 2020 का मॉडल है। एंड आप लोगों को पता ही है मेरा जो रेगुलर व्यूअर है, ये बाइक मैंने लिया था कुछ डेढ़ साल पहले। एंड ये बाइक का लेने का ना मेन रीज़न क्या था कि मेरे को चाहिए था माइलेज, एंड मेरे को ऑफ रोडिंग जो है ना ऑफ रोडिंग पे थोड़ा सा क्रेज चढ़ गया था इसीलिए। एंड इस पे ना गाइज मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किया है। सो मॉडिफिकेशन जो है वो मैंने किया था मुस्तांग राइड के लिए। सो सबसे पहले तो मतलब दिखा देता हूँ आपको, ये SFB's का हैंड गार्ड जो कि मतलब डैमेज हो चुका है, मुस्तांग में क्रैश हो गया था बाइक। यहाँ पे SGG का लाइट मिनी ड्राइव, एंड ये KTM इंडिकेटर, यहाँ का विंडशील्ड जो है वो मैंने निकाल दिया। एंड निकालने के बाद जो है लुक जो है काफ़ी बढ़िया आ रहा है, ये चेक करो। एंड यहाँ पे BSDTP का मोबाइल माउंट, और इस पे लगा है 3.0 USB चार्जर। सो यहाँ पे है लाइट का स्विच। तो उसके अलावा गाइज यहाँ पीछे में है मोटोक्रॉस टेल टाइडी, एंड साथ में यहाँ पे KTM का ओरिजिनल इंडिकेटर्स। सो यहाँ गाइज यही सब कुछ था इसका मॉडिफिकेशन। एंड इसके अलावा ना गाइज सबसे मेन जो मॉडिफिकेशन है वो है इसका ट्यूबलेस कन्वर्जन। सो आगे पीछे दोनों का रिम जो है ना ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर दिया है। एंड या गाइज इसका जो है ना ये जो पीछे में टायर है ये भी ट्यूबलेस है, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है, ये चेक करो, थोड़ा थोड़ा ही ग्रिप बचा हुआ है इसका ना। एक छोटा सा प्रूफ जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो बाइक है बाइक पर कील घुस गया था। सो कील घुसने के बाद मैंने क्या किया कि घर पे बाइक था, मेरे को काम पे जाना था, काम पे जाने के समय मेरे को दिख गया। सो मेरे पास पंचर रिपेयर करने का ना सारा जुगाड़ है, सो इसीलिए मैंने घर पे ही जो है पंचर को ठीक कर दिया। सो ये था इसका प्रूफ गाइस, मतलब। सो काफ़ी लोग ना मेरे से पूछते हैं कि ट्यूबलेस कन्वर्जन किया कैसा चल रहा है, मतलब कैसा है क्या है। सो गाइस ट्यूबलेस कन्वर्जन करने में ना कुछ मेरे को लगा 11-12 हज़ार विथ टायर, ठीक है। और या गाइस मतलब कि ट्यूबलेस कन्वर्जन ना वर्थ इट है भाई, एकदम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्पोक रिम है गाइस, जैसे कि आप लोग पता है स्पोक रिम है, और जब जब ये पंचर होता है तब तब जो है टायर खोल के ले जाना पड़ता है पंचर ठीक कराने के लिए। तो ये चीज़ ना बहुत ही हेक्टिक है गाइस, मतलब कि बाइक को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका टायर को खोल के ले जाके बनाना पड़ेगा। तो या गाइस ये चीज़ ना बहुत हेक्टिक है। तो इससे अच्छा मतलब कि लाइफ टाइम जो जुगाड़ है वो है इसका ट्यूबलेस कन्वर्जन। सो ट्यूबलेस कन्वर्जन गाइस एकदम सक्सेसफुल था मेरा, एंड इसी के लिए ना गाइस आज का ये वीडियो था। सो जो कुछ भी प्रूफ है मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दिया है। एंड इसका जो टायर है ना गाइस, टायर में चेंज करूँगा कुछ दिन बाद। सो अंदर में क्या है क्या नहीं है, मतलब वो सारा कुछ आपको पता भी चल जाएगा। सो ये सब कुछ था गाइस आज का वीडियो में। एंड बाइक जो है ना गाइस एकदम चकाचक है, मेरे को 38 का माइलेज दे रहा है ये बाइक। एंड मैं ना गाइस इसको लेके मुस्तांग भी गया हूँ। सो मुस्तांग में मेरे को एक छोटा सा भी प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करना पड़ा। सो ऑल थैंक्स टू HM Moto जिन्होंने ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। ये ट्यूबलेस से लेके मतलब ये छोटा छोटा चीज़ जो है सारा कुछ HM Moto से ही मैंने करवाया है। सो अगर आप लोगों को भी कोई भी मतलब सामान खरीदना है या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन कराना है, सो आप HM Moto में जा सकते हैं, और वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह भी एकदम कर देंगे हमारा जो विशु भैया है वो।
सो या गाइस अभी चलते हैं, थोड़ा सा राइड वगैरह करते हैं ये बाइक को। सो एक्चुअली ना इससे पहले मेरे पास था ESD स्क्रैम्बलर और हिमालयन भी था, तो एक्चुअली ना मेरे को डर्ट का ना क्रेज़ अलग से चढ़ गया था, इसीलिए मेरे को एक ऐसा बाइक चाहिए था जो कि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में मतलब मेरे को भरपूर इन्जॉयमेंट दे, है ना। तो इसीलिए ना मैंने एक्सपल्स 200 लिया। तो मेरे को ना पहले लगता था कि ये बाइक का ना उतना मतलब पावर नहीं है, पावर एकदम कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, पावर के मामले में भी एकदम सही है ये बाइक। बस यार टॉप स्पीड इसका कम है, लेकिन पिकअप वगैरह एकदम काफ़ी सही है। उसके अलावा ना गाइस इस पर जो भी मैंने मॉडिफिकेशन किया है वो अपने मुताबिक किया है, लाइक मेरे को जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी मेरे को रोड पर चाहिए काफ़ी हेल्प करता है गाइस ये मॉडिफिकेशंस। तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि ट्यूबलेस करा लेना यार, एक्सपल्स या फिर कोई भी आपका स्पोक रिम हो, ट्यूबलेस कराना बहुत ज़रूरी है यार बाइक का। मैंने रिव्यू भी दे ही दिया है आप लोगों को कि कैसा क्या काम करता है ट्यूबलेस कन्वर्जन कराने के बाद। तो ट्यूबलेस कन्वर्जन कराने के बाद ना गाइस पंचर का कोई झमेला ही नहीं है, बस एक पंचर किट रखो साथ में, है ना, तो कील वगैरह घुस जाए तो निकाल के खुद से भी पंचर ठीक कर सकते हो। बस यही था गाइस आज का वीडियो।